जरा मेरी बात हो जाए। मानिए रिश्ता महोदय, वो लोग ये बातें कर रहे हैं जिन्होंने जौहर विश्वविद्यालय दिया उत्तर प्रदेश, और उसका क्या हश्र हुआ यह हम सब जानते हैं। वो लोग ये बात कर रहे हैं जिन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि सदन की मर्यादा है दूसरों को नाम ना लेना, जो फर्जी डिग्री बांटा करते थे इन्होंने दिए, इनके शासन काल में हुए, वो आज प्राइवेटाइजेशन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और उनको उनको गुरुस्थम ने किया, उनको सुन लीजिए, उनको मैं नाम नहीं ले, अब नाम लू क्या ना? और वो जो सुकेश यादव सुन लो, अब जहां तक छात्र छात्र नेता होने का दम भर रहे, अच्छी बात है, मैं भी छात्र नेता रहा हूं, मैंने भी वहीं से एबीसीडीसी की राजनीति की, आप जिस पाठशाला में पढ़े मैं भी उसी पाठशाला से गुजर कर आया हूं, लेकिन जहां तक प्रोवाइड ये इनके दोस्त होने का सवाल है, सरकारी विश्वविद्यालयों की बात कर रहे हैं, एक भी सरकारी विश्वविद्यालय पिछली सरकारों में ग्रेडिंग में कहीं नहीं था अधिष्ठाता महोदय, कहीं नहीं था। आज सरकारी विश्वविद्यालय, अंडरलाइन करके कह रहा हूं, निजी विश्वविद्यालयों से ज्यादा ये योगी जी की सरकार की देन, 7 A++ ठीक और 4 A+ ये है, 2 सरकारी विश्वविद्यालय UGC के ग्रेड 1 में आए ये है, और 2 इंटरनेशनल ग्रेडिंग में दौड़ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का देन, अगर आप सरकारी की बात करें, और साथ साथ निजी विश्वविद्यालय भी बढ़े, जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो गुणवत्ता बढ़ेगी, ये नियम है। कभी ये कहते हैं कि लूट रहे हैं वो लोग, डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक्स पड़ी होगी निश्चित रूप से, इनमें लोगों ने डिमांड और सप्लाई ये कीमत डिसाइड करती है, अगर सप्लाई कम है उपलब्धता कम है तो निश्चित रूप से कीमतें बढ़ेंगी, और जब उपलब्धता बहुतायत में है तो निश्चित रूप से कीमतें कम होंगी, इससे शिक्षा भी सस्ती होगी, गुणवत्ता भी बढ़ेगी, प्रसार भी होगा, प्रचार भी होगा, विस्तार भी होगा। ठीक, इसलिए